दोस्तों, स्वागत है आपका कविता मंजरी श्रृंखला में। आइए सुनते हैं रघुवीर सहाय की ये कविता तोड़ो। आवाजें चित्र खींचती हैं, बिंब रचती हैं। इन आवाजों को सुनकर भी आपके मन में कुछ चित्र उभरे होंगे। किसके चित्र उभरे? पत्थर तोड़ने, मिट्टी गोड़ने, खेत जोतने के? ना, बिल्कुल सही। तोड़ना एक क्रिया है। तोड़ने का अर्थ नष्ट कर देने से है। मगर हर समय तोड़ना बुरे अर्थ में नहीं होता। किसी चीज को नष्ट करना नहीं होता, तोड़ने के बाद ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्सर हम कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया रचने के लिए कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते हैं। किसी वस्तु को सार्थक रूप देने के लिए भी उसमें तोड़फोड़ करते हैं। जैसे पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, तब फिर आपने तोड़ना शब्द का प्रयोग कई रूपों में सुना होगा। आप खुद भी तो ऐसा प्रयोग करते होंगे। परंपरा तोड़ने की बात तो अक्सर हम करते हैं। समाज के सारे बंधन तोड़ दो, रीति रिवाजों के बंधन तोड़ दो जैसे डायलॉग तो फिल्मों में खूब सुने जाते हैं। आप अपने दोस्तों से ऐसे डायलॉग नहीं बोलते क्या? फिर क्या, रघुवीर सहाय ने भी अपनी कविता में तोड़ना क्रिया का कुछ इसी रूप में प्रयोग किया है। तोड़ो, 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने तोड़ो, 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को। हम इसको क्या का डालें, इस अपने मन की खीज को। गोड़ो, गोड़ो, गोड़ो। कितनी सुंदर कविता है। मनुष्य का स्वभाव होता है निरंतर प्रगति करने का, विकास करते रहने का। वो एक जैसी स्थिति में बहुत देर तक नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ नया करने, कुछ नया रचने की बेचैनी उसमें रहती है। इसलिए भी वो बार बार पुराने को तोड़कर नया रचने की कोशिश करता है। मगर इस कविता में नया रचने के साथ साथ थोड़ा अलग भाव है। क्या ये कविता केवल किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहती, एक बात के जरिए कई बातों की तरफ इशारा करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि झूठे बंधन टूटे, धरती को हम जाने, मैदानों में ऊब, मिट्टी में रस होगा ही जैसे पद इस कविता में कई बातों की तरफ इशारा करते हैं। धरती यहां प्रतीक के रूप में भी है, केवल अन्न उगाने का माध्यम नहीं। आपने भी तो ऐसे मुहावरे अक्सर सुने होंगे, अपनी जमीन पहचानो, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, धरती पर पांव रखकर चलो। इन सब में धरती वास्तव में धरती नहीं है। यहां धरती मनुष्य की जड़ों का भी प्रतीक है।
उसके मूल्यों का प्रतीक है, उसके जीवन की हकीकत का प्रतीक है। इसी तरह इस कविता में भी हम धरती को मनुष्य के मूल्यों, उसकी परंपराओं आदि के प्रतीक रूप में देख और व्याख्यायित कर सकते हैं। इस कविता में एक पंक्ति आई है, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। कवि पथरीली ऊसर बंजर जमीन को खेती लायक बनाने की बात करते करते मन की खींच की बात करने लगा है। क्यों? मन के भीतर जो पत्थर हैं, जड़ता है, वो पुरानी ग्रंथियों से जकड़ा हुआ है, उसे भी तो तोड़ने की जरूरत है। इसलिए कवि ने अंत में गोड़ो 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 का आह्वान किया है, यानी मन को भी, अपने हृदय को भी, अपनी सोच, अपने विचारों को भी गोड़कर वैसे ही उपजाऊ बनाने की जरूरत है जैसे किसान खेत को जोतकर उसे अन्न उगाने लायक बनाता है। अच्छा, अब आप ये भी तो याद करके बताइए कि ऐसी और कौन कौन सी कविताएं आपने पढ़ी हैं जिनमें तोड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभी आप सुन रहे थे रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो। वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता और नीरज शर्मा। आलेख सूर्यनाथ सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन अजीत होरो। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।